बच्चों, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार। ये एक्चुअली बच्चों टाइम जो है ना, ये संक्रांति का समय होता है। इधर से वो टाइम मॉर्निंग का खत्म होता है, आफ्टरनून का चालू होता है, बीच का टाइम है। तो थोड़ा सा और फिर मेरी एक क्लास एक दिन क्या मॉर्निंग में होती है, मुझे गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है, दूसरे दिन गुड आफ्टरनून। थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। एनीहाउ, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ द ट्राइब्यूट। यही चैप्टर बच्चों चल रहा था ना आपका, ट्राइब्यूट। तो बच्चों हम ट्राइब्यूट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको बताया था ट्राइब्यूट एक शब्द होता है जिसका माने श्रद्धांजलि, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और वैसे आप जब भूगोल पढ़ते हो बच्चों, ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो एक ट्राइब्यूटरी शब्द और पढ़ते हो। ये ट्राइब्यूट से क्या है, ये TRIABUTAR, ऐसा शब्द आता है ट्राइब्यूटरी। तो ये जो ट्राइब्यूटरी शब्द है बच्चों, इसको आप क्या सोचते हो कि ट्राइब्यूट यानी श्रद्धांजलि, तो ट्राइब्यूटरी का मतलब भी कोई श्रद्धांजलि संबंधित ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब बच्चों जो मेन रिवर होती है, जैसे मेन रिवर है गंगा, अरे एक नदी देश में आके इधर से मिल गई, तो आप उसको क्या बोलोगे, हेल्पिंग रिवर बोलोगे, सहायक नदी बोलोगे ना, सहायक नदी। तो ये जो बच्चों सहायक नदी होती है जो मेन रिवर में आके मिलती है, इसको ज्योग्राफी की भाषा में आप ट्राइब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। इसको ज्योग्राफी की भाषा में ट्राइब्यूटरी कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जिनका सब्जेक्ट के हिसाब से मीनिंग बदल जाता है, जैसे वस्तु है। तो जब आप वस्तु की बात करते हो और जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो वस्तु माने होता है कमोडिटी, थिंग नहीं बोलते उसको, ठीक है। जो वस्तु होती है उसको TH-ING थिंग शब्द का प्रयोग नहीं होता है कब, इकोनॉमिक्स में। मार्केट की भाषा में आप उसको क्या बोलते हैं, कमोडिटी, कमोडिटी कहते हैं, ठीक है। वस्तु बच्चों जब आप उसमें साहित्य के क्षेत्र में पढ़ते हो, तो वस्तु का मतलब क्या होता है, कथा वस्तु माने कोई भी कथा यानी कोई भी कहानी की वस्तु माने उसका प्लॉट क्या है, उसका कथानक क्या है, उसे आप वस्तु कहते हैं, ठीक है। आप जब काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो सामाजिक का मतलब क्या होता है, अपने सामाजिक तो सामाजिक सब जानते हो, और वहां अपन कहते हैं सामाजिक जो है उसके हृदय में क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है, तो सामाजिक कौन होता है, वह कोई पाठक या श्रोता को ही सामाजिक कहते हैं। जो पाठक होता है किताब को पढ़ता है या श्रोता जो सुनता है, उसे ही क्या कहा जाता है, सामाजिक कहा जाता है। और सामाजिक एक जुड़ गया तो ये विशेषण है, लेकिन बच्चों उस अर्थ में क्या है कि सामाजिकों के मन में रस की निष्पत्ति होती है, तो आप जानते हैं विशेषण का तो कभी बहुवचन बनता ही नहीं है, और यहां पर आपने बनाया है, तो इसका मतलब ये कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा अंग्रेजी में कॉमन नाउन है। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। तो बच्चों अपने टेक्स्ट बुक को आप खोलो, और हम वहां थे, ट्राइब्यूट नाम का चैप्टर बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा था, बहुत ही अच्छा पाठ, दाश बेनूर का पाठ है, बड़े भाई छोटे भाई का मामला है। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि पिछली क्लास में आपको हमने पढ़ाया था कि बीवी कहती है कि वी कांट लुक आफ्टर इट। देखो बच्चों, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 119 पृष्ठ संख्या पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों। तो एक पैराग्राफ है जिसकी अंतिम पंक्ति पढ़ा रहा हूं, इन ऑर्डर टू सो दैट आई कैन कनेक्ट यू विद द प्रीवियस नॉलेज, ताकि पूर्व ज्ञान के साथ आपको यह किया जा सके, जोड़ा जा सके। इसलिए मैं अंतिम पैराग्राफ की जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, उसकी अंतिम पंक्ति से बच्चों में अपनी बात को शुरू करता हूं। जब सुंदरकांड पढ़ते हो ना, तो थोड़ा बहुत किष्किंधा कांड भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यदि किष्किंधा नहीं डायरेक्ट सुंदरकांड पढ़ोगे, तो आपको प्रसंगकार संदर्भ का ही पता नहीं चलेगा कि मामला कहां चल रहा है, राम जी की स्टोरी किधर चल रही है। तो पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए अपन पीछे को थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। तो वी कांट, कांट यानी जानते हो, कांट का मतलब होता है बच्चों लैक ऑफ एबिलिटी टू डू समथिंग। किसी काम को करने में जब आप असमर्थ होते हैं, आप में सामर्थ्य या क्षमता की कमी होती है, तो आप कांट का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको कहा कि ही इज वेरी फैट, वो बहुत मोटा है, ही कांट रन फास्ट, वह तेज दौड़ नहीं सकता है। मैं आपको कहता हूं दिस फैन इज वेरी हाई, ये पंखा बहुत ऊंचा है, आई कांट टच इट, आई कैन नॉट या आई कांट टच इट, यानी मैं इसको छू नहीं सकता। दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, शी कैन नॉट सॉल्व इट, ये प्रश्न बहुत मुश्किल है, वह इसको सॉल्व नहीं कर सकती है, ये सवाल बहुत मुश्किल है। आप जानते हो प्रश्न को तो सॉल्व करते ही नहीं है, सॉल्व किसको करते हैं, सॉल्व बच्चों आप हमेशा किसको करते हैं, सवाल को करते हैं। हालांकि आपको भी सब सवाल और प्रश्न एक ही बात है, हाँ बात तो मिलती जुलती है ना, तो गणित के वो ज्यादातर सवाल बोलते हैं, हालांकि प्रश्नावली बोलते हैं। एनी तो
तो हम आगे बढ़ रहे थे, मैं आपको बता रहा था बच्चों कांट के बारे में। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जब छोटे थे तो एक बाग में चोरी करने गए थे, तो सब तो भाग गए, इनके दोस्त और बागबान माली आया और माली ने उस छोटे से बच्चे को पकड़ दिया, छोटा सा नन्ना सा टाबर। आप जानते हो लाल बहादुर शास्त्री का एक नाम क्या, नन्ना भी है, नन्ने हैं, ठीक है। वो छोटे थे तो उनको सब नन्ने कहते थे घर में, ठीक है। तो अपने छोटा बच्चा होता था अपन, नन्यू सो अमरियो चीख पड़ी हो राणा रसोई दुख जाइयो, ये कविता पढ़ी है, नन्यू का मतलब छोटा सा नन्ना सा। तो वो जो द लिटिल बॉय, यानी जो नन्ने द लिटिल बॉय वॉज कॉट बाय द गार्डनर, माली बाबा के द्वारा, बागबा के द्वारा उस छोटे बच्चे को पकड़ लिया गया। एंड द लिटिल बॉय वॉज गिवन ए वेरी गुड ड्रेसिंग, और शानदार ड्रेसिंग दी गई उसको, किसको, लाल बहादुर को। किसके द्वारा दी गई, माली के द्वारा। अब आपको सब ड्रेसिंग का मतलब क्या है, ड्रेसिंग का मतलब बच्चों कपड़े पहनाना नहीं है, ड्रेसिंग का मतलब ये भी होता है कई बार अपना हाथ में कुछ हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं ड्रेसिंग करते, पट्टी वट्टी करते, उसको ड्रेसिंग बोलते हैं, वो ड्रेसिंग भी नहीं है। हेयर ड्रेसर क्या करता है, आपके बालों की ड्रेसिंग करता है, वो ड्रेसिंग भी नहीं है। ड्रेसिंग का मतलब जम के पिटाई करना, जम के धुनाई करना। तो द लिटिल बॉय वॉज गिवन ए वेरी गुड ड्रेसिंग, इसका मतलब समझ गए, शानदार, शानदार क्या, जोरदार धुनाई की गई, किसकी, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की, एक माली के द्वारा धुनाई की, क्योंकि गलती की थी उन्होंने। तो बच्चा कहता है आई एम ए पुअर फादरलेस बॉय, आई एम ए पुअर फादरलेस बॉय, यू कांट बीट मी, मैं तो गरीब हूं, बिन बाप का बेटा हूं, आप मुझे पीट नहीं सकते हो। तो यू कांट का प्रयोग क्या है बच्चों, कांट का मतलब क्या है, वर्जित है, मना है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ना ऐसा मीनिंग नहीं है इसमें। इसका सेंस ये है बच्चों कि जब किसी व्यक्ति को आप निगेटिव, मतलब कि कोई, मतलब कोई काम न करने के लिए जब आप उसको पोलाइटली कहते हैं, बात समझ में आ रही है, वेन यू आस्क समबड़ी नॉट टू डू समथिंग पोलाइटली, वेन यू आस्क समबड़ी नॉट टू डू समथिंग पोलाइटली, जब आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कोई काम नहीं करने के लिए विनम्रता पूर्वक, तब भी कांट का प्रयोग करना युक्ति युक्त माना जाता है। मैंने एग्जाम्पल साइट किया आपको, क्या, आई एम ए पुअर फादरलेस बॉय, यू कांट डू दैट, यू कांट बीट मी, तुम मुझे पीट नहीं सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे पीट नहीं सकते हो, नहीं, हाथ जोड़ी कह रहा तुम मुझे पीट नहीं सकते हो, क्योंकि मैं तो क्या हूं, बिन बाप का बेटा हूं। तो माली ने उसको और ज्यादा पीटा कि चूंकि सिंस यू आर ए पुअर एंड फादरलेस बॉय, चूंकि तुम गरीब भी हो, बिन बाप के हो, तो फिर तुम्हारी पिटाई होना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि तुमसे हम अच्छा इंसान बनने की ज्यादा उम्मीद करते हैं बजाय दूसरों की। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गया था कि यदि एक शूद्र अपराध कारित करता है, एक ब्राह्मण भी करता है, तो बताइए दंड की क्या व्यवस्था हो। तो महाराज जो धर्मराज युधिष्ठिर का कहना था कि ब्राह्मण को दंड अधिक मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होकर के, शास्त्रों का ज्ञाता होकर के, दुनिया को ज्ञान देने वाला होकर के अपराध कर रहा है, तो फिर वो दंड का भागीदार भी उसको क्या होना चाहिए, ज्यादा। जैसे मैं अध्यापक हूं, अध्यापक का मतलब जानते हो, अध्यापक का मतलब समझते हो ना, जिसकी गोद में प्रलय और सृजन दोनों एक साथ पलते हैं, उसको हम अध्यापक कहते हैं। अब मैं कलेक्टरों के पास में नौकरी करता हूं, आईएसओ के पास में नौकरी करता हूं, तो बताओ पद उनका बढ़ा है कि मेरा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों पद तो मेरा ही बढ़ा है, पद तो मेरा ही बढ़ा है, ये सच है। तो मास्टर का पद तो सबसे बड़ा होता है ना। अब बात यह है कि बड़ा होता है ये तो अभिमान की बात है, यदि आप अपने कर्तव्यों को कारित नहीं करते तो फिर आप सबसे छोटे हो जाते हैं। और जब आपका पद बहुत बड़ा है, जब आपको इतना मान और सम्मान मिलता है, तो आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। तो एक मास्टर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, यदि एक अध्यापक एक अपराध करता है तो वो तो दुनिया को ज्ञान देने वाला बड़ा फिरता, राष्ट्र निर्माता कहलाता है, फिर वो अपराध करता है तो उसकी सजा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई दोहराय नहीं है। तो बात बच्चों दरअसल ये थी कि क्या बात थी, बात बहुत अच्छी थी। देखो बच्चों, वी कांट लुक आफ्टर इट, भाभी जी कहती हैं कि हम इस जमींदारा की देखभाल नहीं कर सकते हैं जो गांव में है, एंड वाई शुड अदर्स ड्रॉ बेनिफिट्स, एंड वाई शुड अदर्स टेक प्रॉफिट आउट ऑफ अवर लैंड, और हमारी जमीन में से दूसरे लोग फायदा क्यों उठाएं। बच्चों दूसरे कौन हैं, वह भाई और वह भौजाई जिन्होंने लेखक को अपने बेटे की तरह, अपने अपनी संतान की तरह पाल पोस करके बड़ा किया, जिन्होंने स्वयं जो है
दुख भोगे, लेकिन लेखक को कभी उन्होंने कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी। खुद उन्होंने सूखा खाया, लेखक को हमेशा जो है उन्होंने बढ़िया चुपड़ी रोटी खिलाई। वो व्यक्ति पराए हैं, वो अगर आपकी जमीन से फायदा उठा रहे हैं तो वो आप उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये तो दूसरी बात है, परंतु वो पराए हैं। अब बच्चों, ये औरत है तो औरतों की बुद्धि आप जानते हो, नारी तो हटी होती है, और ऐसी बातें हैं, आप समझ जाओगे धीरे धीरे, जब बड़े हो गए तो समझ में आएगी बात। एनी हाउ आई लिसन टू, ध्यान दो बच्चों, लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग करना चाहिए, अंडरलाइन कर लो। टॉक टू होता है, लिसन टू होता है, बिलोंग टू होता है। जैसे आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, तो बिलोंग के बाद टू आएगा तो आएगा, प्रिपेयर के बाद फोर आएगा तो आएगा। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, बात समझ आ रही। वेट के बाद फोर आता है, वेट के बाद कभी कभी इन भी आता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि शी इज वेटिंग इन द रूम, कहां वेट कर रही है, वो वही रूम में वेट कर रही है। आई लिसन टू ऑल दिस, मैंने इन तमाम बातों को सुना। लाइक माने कैसे, लाइक माने होता है जैसे की तरह, एन इनोसेंट लैम्ब, मैंने इन तमाम बातों को एक मासूम मेमने की तरह सुना। मेमना जानते हो, भेड़ का बच्चा, मासूमियत का प्रतीक माना जाता है। अंग्रेजों के कल्चर में क्या बच्चों, लैम्ब को मासूमियत का प्रतीक मानते हैं, और हिंदी साहित्य में कहते हैं मौन को परेशान मत करो, वह तो बेचारा निरी गाय है। शब्द शक्ति में पढ़ते हो ना, तो शब्द शक्ति में आप पढ़ते हो कि वो निरी गाय है, तो गाय थोड़ी है वो, उसमें गाय के लक्षण है, गाय की तरह वो मासूम है। तो ये कौन सी शब्द शक्ति हुई, ये लक्षणा शब्द शक्ति हुई। तो वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की उन तमाम बातों को जो है सुना, कैसे सुना, लाइक एन इनोसेंट लैम्ब बरसात, एक मासूम मेमने की तरह, लुकिंग इन टू द डार्कनेस, माने शून्य में घूरते हुए। ध्यान दो, लुक इन टू क्या होता बच्चों, एक होता लुक इन टू, एक होता लुक फॉर, बड़ा लोचा है। जैसे मैं कहता हूं कि आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल फोन, मैं अपना जो मोबाइल फोन है उसको ढूंढ रहा हूं, तो लुक के बाद फॉर लगाओगे तो उसका माने ढूंढना होता है। द पुलिस इज लुकिंग इन टू द मैटर, पुलिस मामले क्या कर रही है, छानबीन कर रही है। और आई वॉज लुकिंग इन टू द डार्कनेस का मतलब मैं अंधेरे में क्या कर रहा था, छानबीन कर रहा था, नहीं घूरना, अंधेरे में घूर रहा था। स्टेयर एट, लुक एट, स्टेयर एट, जैसे लुक एट द बर्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बर्ड को घूर रहे हैं, निर्निमेश देख रहे हैं, एपलक देख रहे हैं, देखना चाहिए आपको, ध्यान लगाइए, देखना चाहिए। तो बच्चों आई केप्ट लुकिंग इन टू द डार्कनेस का मतलब ये हुआ कि और मैंने क्या किया बच्चों, मैं शून्य में घूरता रहा और एक मासूम मेमने की तरह अपनी पत्नी की बातें सुनता रहा। और बच्चों आई फेल्ट एज इफ, मैंने ऐसे महसूस किया मानो, जानते हो बच्चों मानो उत्प्रेक्षा अलंकार बताया, हिंदी में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अंग्रेजी में कोई ऐसा अलंकार नहीं होता है। तो एजिप्ट को बच्चों, लेकिन एजिप्ट को हम अंग्रेजी में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं कहते, लेकिन जहां जहां भी एजिप्ट का प्रयोग होता है बच्चों, तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, सब जंगटिव मूड झलकता है। क्या झलकता है बच्चों, ऐसे वाक्यों में सब जंगटिव मूड झलकता है। इसलिए एजिप्ट के साथ में साधारणतः बच्चों वाज का प्रयोग गलत और वर का प्रयोग सही माना जाता है, चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। जैसे उदाहरण दिया था मैंने, शी टॉक्स टू मी एज इफ शी वर माई बॉस, वह मुझसे ऐसे बात करती है मानो वह मेरी क्या हो, मानो वह मेरी बॉस हो। तो आई फेल्ट, अब देखो बच्चों यहां वाज आ रहा बुच्चर के बाद में, लेकिन कायदे से आना तो वरी चाहिए था। तो आई फेल्ट अर्थात बच्चों मैंने ऐसे महसूस किया एज इफ मानो द बुच्चर वर शार्पनिंग हिज नाइफ। तो बच्चों यहां वर इसलिए वाज इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर मान लो यहां वर करता हूं मैं तो इस जगह फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, देर करना पड़ेगा, तो ऐसे जाएगा। तो आई फेल्ट एज इफ द बुचर वो शार्पनिंग हिज नाइफ, मैंने ऐसे महसूस किया माना कोई बुचर, ध्यान दो बच्चों एक वो बुचर होता है एक हंटर होता है, दोनों का फर्क जानते हो कि नहीं जानते हो, ये तो बुचर है बच्चों और एक है हंटर, तो ये दोनों ही कातिल होते हैं, दोनों ही अत्यारे होते हैं। हंटर कौन होता है, जो आखेट करता है, शिकारी को आप क्या बोलते हो, जो बच्चों आखेट करता है, खेट को तुकम, खेल खेल में क्या करता है, आखेट करता रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है बच्चों उसको आप क्या बोलते हो, हंटर बोलते हो, आखेटक या शिकारी, ओके। और ये जो बच्चों ये है बुच्चर, ये तो कसाई होता है, ये भी अत्यारा होता है, तो बच्चों ये कसाई होता है,
कसाई जब किसी को मारता बलि के बकरे को तो क्या करता, चक्कू की धार लगाता कि नहीं लगाता, उसको दया नहीं आती है। तो लेखक ने ऐसे महसूस किया, मानो मैं एक बलि का बकरा हूं, अर्थात मैं एक मासूम मेमना हूं और मेरी पत्नी जो है एक कसाई है, एंड शी वॉज शार्पनिंग हर नाइफ, और वो अपने चक्कू की क्या लगा रही है, धार लगा रही है। दरअसल बात बच्चों यह है कि उसकी बातें चाकू की तरह हैं, उसकी जो बातें हैं इतनी प्रायपन की बातें, एक प्राय घर से एक औरत आती है और आकर के आपको ऐसा क्या मंत्र दे देती है कि जिन भाइयों और जिन भाई और भौजाई ने कभी इनको अपने मतलब कि अपने संतान के समान रखा, उस व्यक्ति के प्रति वो भड़का रही है, और इसकी मजबूरी देखो कि ये उसके गाल पे तमाचा न लगा करके चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा है, तो उसकी भी एक मजबूरी है। तो आई फेल्ट एज इफ द बूचर वो शार्पनिंग हिज नाइफ, अर्थात मैंने ऐसे महसूस किया मानो कोई कसाई क्या कर रहा था बच्चों, चाकू की धार लगा रहा था, हमिंग ए ट्यून, गुनगुनाते हुए एक धुन, धार भी लगा रहा था और क्या है, गुनगुना रहा था कि तेरा अंत आ रहा है, तुझे मैं काटने वाला हूं, ऐसा कुछ। हमिंग ए ट्यून का मतलब एक धुन गुनगुनाते हुए, एंड वेटिंग टू, अब देखो बच्चों वेटिंग टू, वेटिंग तो यहां वेट के बाद में क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो वेट के बाद में कभी टू, जैसे दो क्रियाएं साथ आएंगी तो बीच में टू आ जाता है, बात समझ आ रही है, जब दो क्रियाएं एक साथ आती है तो जो बीच है उसके में क्या टू का प्रयोग करते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू गो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, इसलिए यहां टू का प्रयोग हुआ है। वैसे वेट के बाद में फोर आता है जनरली, या इन आता है। तो आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम, अर्थात मैंने इन तमाम बातों को सुना एक मासूम मेमने की तरह, लुकिंग इन टू द डार्कनेस, और मैं अंधेरे के अंदर या अंधेरे में बच्चों घूरता रहा, आई फेल्ट अर्थात मैंने महसूस किया एज इफ मानो द बुचर वो शार्पनिंग हिज नाइफ, अर्थात कसाई क्या कर रहा था, अपने चक्कू की धार लगा रहा था, हैविंग अ ट्यून, एक धुन गुनगुना रहा था, एंड वेटिंग टू टियर मी इन टू लार्ज चंक्स, और बच्चों वो इंतजार कर रहा था कि वो मुझे क्या करेगा, टियर चीरेगा, चीर फाड़ करेगा, मेरे को चीर फाड़ करेगा इंटू चंक, चंक जानते हो बच्चों क्या होते हैं, अरे बच्चों चंक होते हैं जैसे गुड़ की डली होती है, तो वो क्या है, चंक ऑफ गुड़ है, आप किसी को काटते हो और इसकी मांस की बोटियां बोटियां क्या हो जाती है, उसके डले हो जाते हैं ना, तो वैसा कुछ क्या है कि ये मेरे को क्या करेगा, बड़े बड़े टुकड़ों में, अर्थात बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं मांस के जो डले हैं उनके अंदर वो मुझे क्या करेगा, ऑफ मीट में मुझे काटेगा, एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट, और फिर वो मुझे ढाढ़स बंधा रहा है ये कहते हुए कि नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम्हारी जान निकल जाएगी तो इस संसार से तुम्हारा पिंड छूट जाएगा, और इस जीवन के बाद जो दूसरे लोक में तुम जाओगे वहां तुम्हें ऐसी मिलेगी, ऐसी वैसी एयर कंडीशन, सब प्रकार की फैसिलिटी होगी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होगा। इस तरीके से वो मुझे सब जवाब दिखा रहा हो, तो बच्चों यहां ये बताया गया कि आई फेल्ट एज ए बर्ताद, मैंने ऐसे महसूस किया मानो द बुचर वो शार्पनिंग हिज नाइफ, बर्ताद मानो कोई कसाई अपने चाकू पर धार लगा रहा है, लगा रहा हो, हमिंग ए ट्यून, कोई धुन गुनगुना रहा हो, एंड वेटिंग टू टियर मी इन टू लार्ज चंक्स ऑफ मीट, और मुझे मांस के बड़े बड़े टुकड़ों में काट देने के लिए प्रतीक्षारत, एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट, और ये कहते हुए मुझको कंसोल कर रहा है, जानते हो कंसोल क्या होता है, मुझे तसल्ली दे रहा है क्या, दैट की देयर इज अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, की मरने के बाद में एक बेहतर जीवन, मरने के बाद में जब आप दूसरी दुनिया में जाते हैं तो आपको बहुत बेहतर जीवन मिलता है। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों आई होप दैट यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है, कोई समस्या नहीं इसमें बच्चों, बताओ तो बताओ, ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया, आगे देखो, गोन आर दोज डेज,
ये बच्चों ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की या ये जो लाइन है बच्चों, इस लाइन की जो रिदम या इसकी जो लैंग्वेज कैसी है, जैसे ये प्रोज ना होकर के पोएट्री हो। गॉन आर दोज डेज का मतलब वो दिन चले गए, वो दिन बच्चों अब चले गए। कौन से वाले दिन? वो मस्ती के दिन चले गए। तो बच्चों व्यक्ति अपने अतीत को याद करता है तो इस तरीके की बातें कहता है। तो जो दिन गए वो दिन लौट के, जो चले गए दिन वो लौट के आने वाले नहीं हैं, किंतु किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। हरिवंश राय बच्चन कहते नहीं है ऐसे कि भाई जो चले गए हैं वो तो चले गए हैं, अब लौट कर आने वाले नहीं हैं। वो जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था माना वह बेहद प्यारा था, वे टूट गया तो टूट गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके प्यारे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सब बात गई। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ वो कब रोता है, चिल्लाता है जो बीत गई सब बात गई। ऐसे क्या है बच्चों अतीत को याद करके? कई लोग लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद ये कविता मुझे बहुत पसंद है, वो लिखते हैं वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया भरते, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। बहुत प्यारी कविता है, छोटी सी लिरिक है। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया भरते। सावन के अंदर बरसने वाले बादल है ना, ये कुछ नहीं थे, ये तो हमारी आंखों की फोटो स्टेट थे। इन आंखों की छाया भरते, इन आंखों की जो है एक प्रतिलिपि मात्र थे वो कुछ दिन कितने सुंदर थे। तो बच्चों ये कह रहा है लेखक को, वो बातें याद आ रही है। देखो अपना अतीत याद कर रहा है, सिंहावलोकन कर रहा है। सिंहावलोकन क्या होता है? सिंहावलोकन का मतलब लुकिंग बैक, लुकिंग बैक वो बच्चों पीछे देख रहा है, अपने अतीत की तरफ देख रहा है और कहता गोन आर दोज डेज, वो दिन चले गए। कौन आर दोस्त इसका मतलब? तो बच्चों वो दिन चले गए हैं। गॉन आर दोज फीलिंग्स, वो जज्बात चले गए हैं। वो दिन चले गए हैं, वो जज्बात चले गए हैं। वेन द वर्ड होम, जब घर, वेन द वर्ड होम फिल्ड माई हार्ट विद इमोशन, जब क्या होता था बच्चों, घर शब्द मेरे दिल को भर देता था जज्बातों से। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब। उसमें एक लाइन आती है, इसमें कहता है कि घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर शब्द को याद करते ही वो जेल में, उसको घर याद आ रहा है, मेरा घर मुझसे दूर है, घर खुशी का पूर है। पूर से मतलब यह है कि खुशियां भरपूर है घर में, चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ये कहता है कि साहब एक जमाना था जब घर का नाम लेते ही, हम भुवनेश्वर में पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, और जब पता चलता था संक्रांत की छुट्टी आई है घर जाना है, तो 2 दिन पहले से पैरों में पंख लग जाते थे, मन में अरमानों के पंख लग जाते थे, या सोचते थे घर चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो घर का नाम लेते क्या होता था, एक खुशी होती थी, एक रोमांच होता था, घर का नाम लेते ही जो है बहुत मजा आता था। तो बच्चों एक समय ऐसा था, ये कह रहा है कि व्हेन द वर्ड होम फिल्ड माय हार्ट विद इमोशन, जब घर शब्द, जब घर शब्द ही मेरे हृदय को भर देता था, किनसे? भावनाओं से भर देता था, मेरे हृदय को अर्थात मेरे दिल को भर देता था जज्बातों से। कौन शब्द? घर शब्द को सुनकर के मैं पहुंच जाता था, समझ गए ना, जैसे पावस जाती है ना कोई गाय वगैरह, तो ऐसे घर का नाम लेते ही लेखक पावस जाता था। पावस जैसे मतलब अति प्रफुल्लित हो जाता था, एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, और वो स्नेह से पगा हुआ शब्द कौन? भाई। भाई भाई तो भाई है, भाई का नाम लेते ही लेखक जो है क्या हो जाता था? पावस जाता था। लेकिन अब कहां वो बातें, एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, और बच्चों और वो प्रेम से भरा हुआ शब्द कौन सा? हेलो ब्रदर, वॉट फीलिंग इट हैड, क्या भावनाएं रहती थी इस शब्द में। वॉट फीलिंग इट हैड का मतलब क्या भावनाएं रहती थी इस शब्द में, कौन से में? ब्रो, माई डियर ब्रो, हेलो ब्रदर। हेलो ब्रदर के अंदर जो है क्या गजब की भावनाएं रहती थी।
हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड, कैसे भाई शब्द का नाम लेते ही मेरा दिल धड़कने लगता था। अब आज तो बच्चों स्थितियां और है, भाई का नाम लेते ही दिल धड़कता ही नहीं है। हां लड़ने झगड़ने के लिए क्या है जी, अब तो बाजू फड़कता है लेकिन दिल नहीं धड़कता है। लेकिन पहले जो है बच्चों ऐसा था, ऐसा नहीं है कोई लड़की का नाम लेते इसका दिल धड़क रहा है, इस तरीके की फीलिंग्स नहीं। बड़े भाई का नाम लेते इसका दिल क्या होता था, इसका दिल धड़कने लगता था। ये छोटा था जब गांव जाता था तो इसके भाई क्या करते थे, ये खेतों में काम करके जब भाई आते थे तो छोटे भाई को इसको परेशानी ना हो इसलिए उसको क्या अपने कंधे पर या पीछे गरबोटे बिठा करके लाते थे। वो प्यार था, वो स्नेह था। अभावों के अंदर भी जो है उनकी पीठ के ऊपर ऐसे चलता था जैसे कोई रथ के ऊपर बैठ के चल रहा हो। तो बताया गया कि हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड विद लव, कैसे प्रेम से ये मेरे दिल को धड़काता था, कौन भाई शब्द। ऐसा भाई पा था, बैठ बो तो भया को है बलाई बैरी, तो बच्चों चाल बो तो ये लागो है बलाई फेरी, ऐसे बोलते हैं। तो यहां कहने का मतलब वो था, वो जो भाई का प्रेम है वो उसको याद आ रहा है, या है ना चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। तो रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स अर्थात इन तमाम चीजों को स्मरण करते हुए, इन तमाम चीजों को याद करते हुए, आई फील वीक, मैं महसूस करता हूं कमजोर, आई एम फीलिंग माई सेल्फ वीक, मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं, पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब सिंपैथेटिक, ध्यान दो बच्चों। अभी ज्ञान, अभी वोटा दो क्या हो जाएगा ज्ञान। तो कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो शब्द में क्या करते हैं, शब्द में केवल विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसका अर्थ नहीं बदलते। विशुद्ध, विकोटा दो शुद्ध, तो पैथेटिक आगे एस वाई एम और लगा दो, सिंपैथेटिक यानी मेरी स्थिति बड़ी दयनीय, हेल्पलेस, आई एम फीलिंग माई सेल्फ टू बी वेरी वीक एंड हेल्पलेस, अर्थात मैं अपने आप को बहुत कमजोर और असहाय महसूस कर रहा हूं, बेसहारा महसूस कर रहा हूं। वो बातें कुछ और थी, तो वो बातें कुछ और थी। वेयर इज द हार्ट गॉन, वेयर इज द हार्ट गॉन का मतलब वेयर इज द हार्ट गॉन यानी दिल कहां चला गया है, दिल कहां चला गया है, वेयर आर दोज डेज, वो दिन कहां चले गए, वो प्यार के दिन कहां चले गए हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वो आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, क्या हवाएं थी। हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वो आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। तो बताया गया बच्चों कि वेर आर दोस डेज अर्थात वो दिन कहां हैं, वेर इज दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन। बच्चों स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग का मतलब क्या होता है, फीलिंग यानी क्या होता है, फीलिंग का मतलब अनुभूति, और स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है सहजता। तो अनुभूति की वह सहजता कहां चली गई है, वो स्वाभाविकता। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है बच्चों मतलब नेचुरलिटी, तो वेयर हैज द नेचुरलिटी ऑफ फीलिंग्स गॉन अर्थात वो भावनाओं की अनुभूति या जो अनुभूति की सहजता वो कहां चली गई है। अब दिल में क्या है कि वो रस का झरना, एक कविता है बच्चों हिंदी की कविता, छोटी सी वो नंदकिशोर आचार्य की कविता है कि मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में एक झरना है, बस इसी बात का तो मरना है, मेरे दिल में एक झरना है बस इसी बात का तो मरना है। लेकिन लेखक के मन में वो जो झरना था वो झरना सूख गया है। ये अनुभूतियों का झरना है बच्चों, ये किसका झरना है, ये अनुभूतियों का झरना है। तो बात ये है बच्चों कि वो अनुभूतियों का झरना ना वो सूख गया है, ये निष्ठुर हो गया है, ये संकीर्ण हो गया है, ये निष्ठुर हो गया, ये संकीर्ण हो गया, ये जोरू का गोदाम हो गया है, हैंड पैक्ड हजबैंड हो गया है, हैंड पैक्ड हजबैंड बोला था मैंने। तो ऐसा हजबैंड बच्चों कभी भी नहीं बनना, अगर आपको भी जब मौका मिलेगा ना तो ऐसा हजबैंड आप कभी मत बनना। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रेंजर कुड, देखो बच्चों वेयर इज दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन अर्थात बच्चों इसे महसूस कर दें कि वो जो सहजता है वो कहां चली गई है। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड का मतलब होता है ये बात मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, जस्ट ठीक ठीक प्रकार से आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड का मतलब ये बच्चों आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ठीक ठीक मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे। पत्नी को अजनबी कह रहा है, एक अजनबी लड़की है जो दूसरे परिवार से आती है हमारे घर में, पत्नी के रूप में आती है, हाउ ए स्ट्रेंजर, कैसे एक अजनबी
जो आपकी पत्नी बनकर के आती है, हाउ शी कुड ऑल ऑफ ए सडन बिकम, अचानक वो बन जाती है आपकी क्या सर्वस्व, अचानक वो आपकी खुदा बन जाती है, अचानक वो आपकी सर्वस्व बन जाती है, इतनी सर्वस्व कि आप उसके सामने इतनी भीगी बिल्ली बन जाते हैं कि आप अपनी सहजता को, अनुभूति की सहजता को भी खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाउ स्ट्रेंजर कुड डॉल ऑफ ए सडन बिकम सो इंटीमेट, एक अजनबी अचानक आपकी जिंदगी में आता है या आती है और आपको इतनी इंटीमेट हो जाती है, इतनी घनिष्ठ हो जाती है, इतनी प्रिय हो जाती है कि ओनली शेयरिंग, और देती क्या बदले में, शी ओनली शेयर्स लिटिल वाम तरता, वह जरा सी गर्माहट को आपसे शेयर करती है, वह जरा सी गर्माहट को आपसे शेयर करती है बाय गिविंग ए साइलेंट प्रोमिस ऑफ कीपिंग क्लोज टू यू। और बच्चों क्या करती है, मैजिक, एक मौन वादा करती है, समीप रहने का मौन वादा करती है। एक अजनबी वो कहता है, कैसे एक अजनबी व्यक्ति आपकी जिंदगी में आती है और जरा सी गर्माहट आपके साथ शेयर करके और साथ ही साथ आपके समीप रहने का एक मौन वादा करके कैसे वो आपकी इतनी इंटीमेट हो जाती है कि आप वो जो उसका 2, 5, 10 साल का साथ है, उस साथ के बदले उस साथ को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हो जिन्होंने बचपन से तुमको पाला है, पोसा है। माता पिताओं ने पाला पोसा तो फिर भी इतना एहसान नहीं किया क्योंकि उनकी ड्यूटी भी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आप पर एहसान नहीं कर रहा हूं, आई एम ओनली परफॉर्मिंग माई ड्यूटी, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका कर्तव्य आपको पढ़ाना नहीं है फिर भी वो आपको पढ़ा रहा, तो उसका उपकार तो मानना पड़ेगा। मेरा उपकार मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उपकार कर ही नहीं रहा हूं। कोई टीचर अगर आपको पढ़ाता तो कोई उपकार नहीं करता। हालांकि ये हमारा सौभाग्य है कि पेशा कुछ ऐसा है कि एक टीचर सदैव अपनी ड्यूटी ही करता है और कुछ नहीं करता, लेकिन बावजूद इसके टीचर को सम्मान तो और से ज्यादा ही मिलता है, ज्यादा मिलता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो मैं दूसरी बात कह रहा था कि माता पिता की जगह जब आपके बड़े भाई माता पिता का रोल निभाते हैं, अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं और आप पर इतना कुछ करते हैं, फिर एक औरत जो है एक जिंदगानी में आपकी आती है, आपकी हम सफर बन के, आपकी पार्टनर बन करके, और इतने कम समय में वो आपकी इतनी इंटीमेट बन जाती है, इसके बदले क्या देती है? बाई शेयरिंग ए लिटिल वार्म्थ का मतलब होता है जरा सी गर्माहट को आपसे शेयर करती है, एंड गिविंग ए साइलेंट प्रोमिस ऑफ कीपिंग क्लोज, और सदैव आपके समीप बने रहने का मौन वादा करती है। वादा भी मुंह से कहती नहीं हो, आंखों आंखों कह देती है, ठीक है, तो भरे भवन में करत है नहीं ना नहीं सो बात। बिहारी का दुआ पढ़ा ना, कृष्ण कुछ कहते नहीं है, राधा कुछ कहते नहीं है, लेकिन आंखों आंखों क्या करते हैं, वो वार्तालाप करते हैं। पढ़ाई भी गेम, बच्चों आगे जरा ध्यान देना, बढ़ाई बिकेम बाय नॉर्मल सेल्फ, बढ़ाई बिकेम बाय नॉर्मल सेल्फ का मतलब होता है बच्चों, बट आई मैनेज्ड अर्थात मैंने क्या किया, आई मैनेज्ड टू मेक माई सेल्फ नॉर्मल, अर्थात मैंने अपने आप को सामान्य स्थिति में किया, मैंने खुद को सामान्य स्थिति में कर लिया इन ट्विन डेज। ट्विन डेज जानते हो क्या होता है? ट्विन का मतलब जानते हो बच्चों, हिंदी में बोलते एक शब्द आता है युग और एक शब्द आता है युग। ध्यान देना बच्चों, ये जो जुग है ना बच्चों, ये हिंदी में जुग होता है और अंग्रेजी में ट्विन होता है। अब आपको सर कैसे, वो ऐसे आपको पता, तुलसीदास जी अपने एक दोहे में क्या लिखते हैं कि सीताराम मैं सब जग जानी। अब बच्चों काम की बात बोलने वाला हूं, सीताराम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, जुग पानी जुग दो ट्विन और पानी मानी हाथ होता है। तो दो को आप साहित्य की भाषा में बोलते हैं उभय, उभय, और दो को आप बोलते हैं जुग, और दो को बोलते हैं युग, और दो को बोलते हैं युगल। जैसे राधा और कृष्ण जब साथ साथ होते हैं तो आप कहते हो इन दोनों क्या है, ये इन दोनों की जुगल जोड़ी है, इन दोनों का युगल है। बातें समझ में आ रही है? तो बच्चों ट्विन डेज का मतलब समझ गए, एक जोड़ी दिन, एक जोड़ी दिन का मतलब दो दिन। ट्विन जानते हो, वो जो जुड़वा जुड़वा बच्चे होते हैं कि नहीं, एक का नाम एक शौर्य एक धैर्य, दो गए सूरज धीरज, तो वो दोनों जुड़वा होते हैं। जुड़वा एक पिक्चर भी है। तो यह बताया गया है, क्या बताया गया जरा ध्यान देना, यह बताया गया बच्चों, बढ़ाई बिकेम बाई नॉर्मल सेल्फ का मतलब होता है, लेकिन मैंने अपने आप को सामान्य स्थिति में किया, मैंने अपने आप को नॉर्मल किया, कर लिया इन ट्विन डेज का मतलब दो दिन की, सिर्फ दो दिनों में ही क्या किया बच्चों, मैंने अपने आप को सामान्य स्थिति में कर लिया। आई ग्रू यूज टू,
आई ग्रू यानी आई बिकेम यूज टू का मतलब लिखो बच्चों आई बिकेम हैबिचुअल, आई बिकेम अकस्टम्ड, मैं अकस्टम्ड हो गया। अकस्टम्ड जानते हो, अरे भाई कोई काम रोज ही करोगे आदी हो जाओगे उस चीज के। भाई ठीक है तो रोज का ही काम है, तो रोज का ही काम है तो फिर चाहे वो कितना ही परेशानी वाला हो, परेशानी वाला है रोज करते करते आदमी क्या हो जाता है, उसका अभ्यस्त हो जाता है, उसका आदी हो जाता है। तो यहां बताया गया है कि आई बिकेम अकस्टम्ड टू वॉट हैड बीन, सॉरी आई ग्रू यूज टू वॉट हैड बीन ए शॉक। अर्थात बच्चों जो बात मेरे लिए, अगर मान लो ये बात ऐसी बात जो है किसी और के साथ होती तो उसको सदमा लगता, पर अपने तो रोज का काम था। अपनी पत्नी रोज आती है अपने को कानों में इस तरह की बातें कहती जिनको मेरी आत्मा कभी स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए। आप जानते हो कभी कभी किसी लड़की का नाम शांति होता है, लेकिन उसके घर में सबसे ज्यादा लड़की नहीं स्त्री का नाम शांति होता है, परंतु उसके घर में सबसे ज्यादा क्या होती है, अशांति होती है। तो ये क्या है कि इसकी पत्नी आती है तो घर में शांति बनी रहे इसलिए उससे विरोध तो करता नहीं है, लेकिन उसकी बातें सब चाबी सुनता रहता है। तो बच्चों ये कह रहा है कि धीरे धीरे मैं आदि हो गया किसका, टू व्हाट हैड बीन ए शॉक, टू व्हाट हैड बीन ए शॉक का मतलब व्हाट इज। तो बच्चों इसे कहता है कि व्हाट इज कॉल्ड ए शॉक, जिसे हम सदमा कहते हैं, जिसे हम आघात कहते हैं, मैं उनका क्या हो गया, आदि हो गया। यानी कड़वी से कड़वी बात भी जो है, मैं भगवान शंकर की तरह मैं क्या हो गया, मैं हो गया एक कंठ विषपाई, हो गया नीलकंठ को मतलब पीने लग गया बातों को, और मेरे जो है कोई सदमा नहीं लगता, कड़ी से कड़ी बात को भी मैं बर्दाश्त करने लग गया, आदत पड़ गई अपनी। आगे जरा देखना लेटर ऑन का मतलब होता है बच्चों, बाद में इन द मार्केट प्लेस दोनों हम गए का मंडी, सब्जी मंडी और कई प्रकार की मंडियां, यू नो मार्केट का मतलब मंडी होता है। तो बाद में मंडी गए, बाजार गए, हाट गए, कीपिंग पेस विद माई वाइफ, और बाद में मैं गया अपनी पत्नी से कदम ताल करता हुआ, इधर पत्नी इधर हम दोनों कदम से कदम मिलाते हुए कहां गए, बाजार गए। क्यों गए, अरे भाई अपने घर की जमीन आप बेचेंगे तो पैसे आएंगे तो क्या क्या लाएंगे, तो उसका पहले सेटिंग तो कर लेना भाई, कौन सी फ्रिज कितने का आ रहा है, स्कूटर सेकंड हैंड कितने का आ रहा है, वो सब चीजें है ना। तो लेटर ऑन का मतलब होता है बच्चों बाद में, इन द मार्केट प्लेस का मतलब होता है बाजार में, कीपिंग पेस विद माई वाइफ यानी मेरी पत्नी से कदम मिलाती हुई है, आई इंक्वायर्ड अबाउट प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स यानी अलग अलग चीजों की कीमतों के बारे में मैंने पूछताछ की। She wanted to buy, अर्थात अलग अलग चीजें जिनको कि मेरी पत्नी खरीदना चाहती थी, मैंने उनकी क्या की, प्राइस लिस्ट देखी, उनकी कीमतें मैंने पूछी, और बच्चों बाएंगे फ्रीज वो ऑलमोस्ट सर्टेन। बच्चों इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है जरा देखो, बाइंग ए फ्रीज, तो BUYING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ING जोड़ते हैं और उसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं तो बच्चों सच एप्लीकेशन ऑफ ए वर्ब एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉन एज ए जेरंड। इस प्रकार की क्रिया की बनावट को आप जेरंड कहते हैं, तो जेरंड है बच्चों। तो लिखा हुआ क्या जरा देखना, बाइंग ए फ्रिज, फ्रिज की स्पेलिंग पे गौर कर लेना, आप लोग क्या करते हो, फ्रीज FREEJD, अरे बच्चों होती है, लेकिन वो फ्रीज तो जमना होता है जिसे आपने बर्फ जमाई, दैट इज फ्रीजिंग, ये फ्रीज है बच्चों, रेफ्रिजरेटर, ध्यान दो FRIDG, डी साइलेंट रहेगा, क्यों रहेगा, वेन टू कॉन्सोनेंट्स आर यूज साइमल्टेनियसली द फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज आइदर हाफ स्पोकन और इट इज केप्ट साइलेंट, समझे नहीं समझे, दिन दिन समझो क्या, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो पहला कॉन्सोनेंट या तो साइलेंट रहता है या उसका उच्चारण आधा किया जाता है। दूसरी बात, जी के बाद जब भी आई ई और वाई आता है, जी के बाद जब भी आई ई और वाई आता है तो जी को ज पढ़ा जाता है, क्या नहीं पढ़ा जाता, ग नहीं पढ़ा जाता। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद हैं, एक दो, जैसे जी आई आर एल अब आप और फिर तो इसको जरल पढ़ेंगे हम, तो इसको नहीं, इसको जरल नहीं पढ़ना, इसको गरल ही पढ़ लेना। और सुनो जी ई टी आपको भी सर हम तो इसको जेट पढ़ेंगे, इसको जेट नहीं पढ़ना भाई, इसको गेट ही पढ़ना, और ये शब्द किसी में भी आ जाए तो गेट ही, जैसे टारगेट तो टारगेट नहीं पढ़ना, फॉर गेट फॉर जेट नहीं पढ़ना, बात समझ में आ रही है। और सुनो एक होता है बच्चों जैसे एंगर और फिंगर, एंगर यानी गुस्सा होता है, फिंगर मानी अंगुली होती है। तो ये कतिपय अपवाद हैं जिनकी संख्या 5-7 से ज्यादा नहीं है, इफ यू लीव देम साइड, यदि आप इनको दरकिनार कर देते हैं तो देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस नियम का फिर कोई अपवाद नहीं। बात समझ में आ गई, ये नहीं आई, आ गई ना। तो बाएंगे फ्रीज वाज ऑलमोस्ट रिटेन, अर्थात बच्चों एक फ्रीज को खरीदना तो करीब करीब तय था, और क्या था, सेकंड हैंड स्कूटर। अब घरवाली चाहती थी भाई मेरे लिए स्कूटर स्कूटर आए थे, सेकंड हैंड से काम चला लूं, तो सेकंड हैंड एक पुराना स्कूटर भी लाना था, स्टीरियो सेट,
एक स्टीरियो सेट भी चाहिए था। स्टीरियो क्या होता है ये बच्चों पूछ लेता किसी को, है ना, ये होता है कोई मेकअप वेकअप का सामान होता होगा, एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स अर्थात कुछ गोल्ड ज्वेलरी। ध्यान दो, ऑर्नामेंट में तो एस जोड़ दिया लेकिन ज्वेलरी में एस भूल करके भी नहीं जोड़ना, ज्वेलरी में एस भूल करके भी नहीं जोड़ना। आई प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ द प्राइसेज अर्थात मैंने मूल्यों की क्या बनाई, सूची बनाई, फेरिस्त बनाई। शी केप्ट, ध्यान दो बच्चों, केप्ट रिमाइंडिंग का मतलब वो मुझे याद दिलाती रही। शी केप्ट रिमाइंडिंग अर्थात वो मुझे याद दिलाती रही। इट केप्ट रेनिंग यानी बारिश होती रही। इट केप्ट रेनिंग यानी बारिश होती रही। तो बच्चों शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशन अर्थात अपने इरादों के बारे में वो मुझे याद दिलाती रही। एंड वो शोइंग ए लॉट ऑफ इंपेशेंस, और बच्चों क्या दिखाती रही, अधीरता दिखाती रही, उतावलापन दिखाती रही। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे बारी अगली क्लास में। नमस्कार।